गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम प्रिपरेशन। आज आपके लिए है डीएमआरसी एग्जाम जेई सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लाया है। ठीक है, इसका पार्ट थ्री है। दो पार्ट दे चुके हैं, पार्ट वन पार्ट टू दे चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं उधर से। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, और भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो बताए हैं। ठीक है, जो आ सकता है हाल के एग्जाम में, जिसका फॉर्म अभी भरा भी रहा है। ठीक है, तो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है, मतलब कि इन द फॉलोइंग गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए करंट आई थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, 5 ओम रेजिस्टेंस यहाँ है, इसके अक्रॉस में आई करंट निकालना। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा मेथड है, ऐसा नहीं है कोई एक ही मेथड से बना सकते हैं, बहुत मेथड है। ठीक है, आंसर तो ऐसे 0 एम्पियर है, बताएंगे किस मेथड से हम बनाए हैं और किस मेथड से आप बनाइए। ठीक है, इसको सुपर पोजिशन थ्योरम से भी बना सकते हैं। पहले इसको एक्टिवेट कीजिए, इसको डीएक्टिवेट कीजिए, फिर से इसको एक्टिवेट कीजिए, फिर से इसको डीएक्टिवेट कीजिए और करंट को निकाल दीजिए, और दोनों जो करंट दोनों में आएगा उसको सिंपली ऐड कर दीजिए। ठीक है, सुपर पोजिशन थ्योरी में है, इसको थेवनिन से भी बना सकते हैं, नॉर्टन से भी बना सकते हैं, पर हम इसको पर सबसे सिंपलेस्ट या सिंपल एग्जाम के समय बोल सकते हैं तो केवीएल से बना सकते हैं, केवीएल या केसीएल का यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, देखिए केवीएल केसीएल कैसे लगाएं इसको। ये 1 एम्पियर है, यहाँ आई एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक है, यही आई एम्पियर निकालना है, ये 5 वोल्ट है। मान लिया कि ये, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से 5 वोल्ट है जिससे आई एम्पियर, कैपिटल आई एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे भी आई एम्पियर आ रहा है, तो इस ब्रांच में कितना एम्पियर होगा? आई प्लस आई, ठीक है, कैपिटल आई प्लस स्मॉल आई। ठीक, और इस ब्रांच में कितना होगा? यहाँ पे 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस एम्पियर में यहाँ उसका एक 1 एम्पियर फ्लो होगा और यहाँ पे आई एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो इस पाथ में कितना होगा? 1 माइनस आई। यहाँ पे केवीएल लगा सकते हैं, यहाँ पे केसीएल लगा सकते हैं, यहाँ पे भी केसीएल लगा दीजिए और यहाँ से भी केसीएल लगा दी, और इस पॉइंट में भी केसीएल लगाइए। इसमें यहाँ पे कितना करंट आ रहा है इस पाथ में? 1 माइनस आई, और इस पाथ में कितना? आई प्लस आई। अब यहाँ पे आएगा तो दोनों का सम होगा, तो सम होने के बाद 1 प्लस कैपिटल I एम्पियर इसके अक्रॉस में आ रहा है। ठीक है, सिंपली आप केवीएल लगा दीजिए, एक लूप इसमें लगाइए और एक लूप इसमें लगाइए। ठीक है, क्या किए हैं देखिए कैसे लगाए। -5 + 4 × I + i + 2 × 1 + I, तो इससे एक इक्वेशन आया, और दूसरा के भी लगाए हैं इस पूरे में। किस में लगाए हैं? यहां से शुरू किए, इसमें आए, दूसरा के भी इधर गए, इधर है, इधर है। ठीक है, पहला केवीएल इस लूप में लगाए थे, ठीक है, और दूसरा केवीएल इसमें लगाए थे। ठीक है, तो दो इक्वेशन आया, दो इक्वेशन को उसके बाद सिंपली, दो इक्वेशन है तो दो इक्वेशन को सॉल्व करने तो आता ही है सब, तो दो इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो I = 0 एम्पियर है उसमें। ठीक ना, I = कितना आएगा? 0 एम्पियर, कोई भी करंट इसमें 0 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसको और भी किसी मेथड से बना सकते हैं, पर ये सबसे आसान मेथड यही था कि दो इक्वेशन फट कुछ ही मिनट में ले आइए और जल्दी से सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपका, और बाकी मेथड में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा और कोई भी मेथड यूज करते हैं तो। ठीक, इसका 0 एम्पियर जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका 0 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए, फ्रॉम ए सोर्स VS = इतना दिया हुआ है। ठीक है, अ लोड ड्रॉ करंट ऑफ आई, मैक्सिमम करंट उसका मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ है 2.5 एम्पियर। ठीक है, 2.5 एम्पियर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे 2.5 मैक्सिमम वैल्यू दिया है, 2.5 एट ए पावर फैक्टर ऑफ 0.6 लैगिंग। ठीक है, लोड इम्पिडेंस कितना होगा? ठीक है, देखिए VS कितना दिया है? 200 cos ωt। IM कितना दिया है? 2.5। ठीक है, तो इसको RMS के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 200 √2 ∠0°। ठीक है, इसी को हम माने हैं रेफरेंस, मतलब वोल्टेज जो है उसको रेफरेंस मान के चल रहे हैं। ठीक है, IRMS कितना हो जाएगा? 2.5 √2 IM है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू बाई रूट टू RMS निकालने के लिए। ठीक है, और एंगल दिया हुआ है कितना? 0.6 कितना दिया हुआ था? 0.6 लैगिंग दिया हुआ था। ठीक है, तो इसको एंगल में चेंज कर लिए, एंगल में चेंज किया तो -53.13 डिग्री आया, लैगिंग है इसलिए माइनस दिया यहाँ पे। ठीक है, तो Z = कितना होगा? इम्पिडेंस VRMS / IRMS, उसके बाद इसको इस तरह लिखे। ठीक है, उसके बाद फिर से इतना आया। ठीक है, उसके बाद जो कटना था कट गया, उसके बाद इतना आया मेरा। ठीक, इसको फिर से आप पोलर फॉर्म में, मतलब इसको चेंज कर सकते हैं A+ IB में, या J JB में इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज कीजिए
इतना आया ठीक है। 80 cos 53.16 13 प्लस जे 80 साइन 53.13 डिग्री ठीक, तो 48 प्लस जे 64 आया ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, बस आपको बेस बस मालूम होना चाहिए, बेसिक मालूम होना चाहिए कि करना क्या है, क्या कैसे करना है ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एमीटर हैज अ करंट रेंज ऑफ है 0 to 5 एम्पियर ठीक है, एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.2 ओम ठीक है। इन ऑर्डर टू चेंज द रेंज ऑफ द एमीटर, का रेंज को चेंज करना है ठीक है, मतलब उसका रेंज को हम बढ़ा रहे हैं ठीक है, 0 to 25 एम्पियर कर दिए ठीक है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए रेजिस्टेंस एडेड एंड हाउ इट वुड बी कनेक्टेड विद द मीटर दैट इज इन अ सीरीज ऑफ पैरेलल। देखिए एमीटर में जब भी हम रेजिस्ट मतलब कि उसका रेंज बढ़ाना होता है, तब हम जब भी उसमें लगाते हैं तो संट लगाते हैं, मतलब पैरेलल रेजिस्टेंस लगाते हैं मीटर का, करंट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। तो पथ का इसमें पैरेलल ही होगा, कोई ऑप्शन में सीरीज तो होता नहीं है एमीटर में, तो कभी सीरीज में तो हम कनेक्शन करते नहीं है कि किसी रेजिस्टेंस को लगा के उसका रेंज को बढ़ाने के लिए, जब भी रेंज बढ़ाते हैं उसको पैरेलल में लगाते हैं, तो यही दोनों में कोई होगा ठीक है। और जो रेजिस्टेंस लगाते हैं वो ऑलवेज लेस देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर, मीटर का रेजिस्टेंस 0.2 ओम है ठीक है। तो पक्का जो हम लगाएंगे उसका भी रेजिस्टेंस, उसको उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो पक्का मीटर रेजिस्टेंस से कम होगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, एक ही यही ऑप्शन है, तो यही ऑप्शन एक सही था ठीक है, उसको बिना बनाए भी लगा सकते थे। सेम तो होगा नहीं कभी ठीक है, सेम कभी नहीं होगा, ये वाला होगा ठीक है, कम होना चाहिए अगर रेंज बढ़ा रहे हैं तो ठीक है। अब देखिए न्यूमेरिकल मेथड में समझ लीजिए कैसे न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आई एम दिया हुआ था 5 एम्पियर मीटर मीटर एम्पियर, और आर एम दिया था मीटर रेजिस्टेंस इतना दिया था, और आई हमको लाना था इतना, और आर एस एस जो संट रेजिस्टेंस लगाते हैं वो कितना होता है, आर एम बाई एम माइनस वन। एम क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो इक्वल टू होता है जितना हमको निकाल लाना है जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो एम्पियर, 25 एम्पियर में लाना है तो 25 एम्पियर, और बाय द मीटर एम्पियर कितना वो नाप पहले से कितना में है वो 5 एम्पियर ठीक है। तो आया कितना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया 5, तो हम लोग पुट किए इस फार्मूला में, सिंपली इस फार्मूला में पुट किए तो आया कितना 0.05 किलो ओम ठीक है। दो मिनट रुकिए ठीक है, 1 किलो ओम नहीं है ठीक है ना, ये ओम होगा ठीक है। ठीक है ना, ये ओम है ठीक है, ये ओम आंसर था ठीक है, 0.05 ओम ठीक है, 0.05 ओम होगा ठीक है। बस कुछ करना नहीं था, क्वेश्चन पढ़ के भी बना सकते थे और ये फॉर्मूला से भी बना सकते हैं ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और कंसेप्ट भी याद होना चाहिए ठीक। देखिए उसी में मतलब सेम ही सेट में, सेम सेट में ही ये भी क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन सेम अब जो अभी बताएं आपको, वही क्वेश्चन सेम अलग तरह घुमा के पूछा गया था। देखिए द मेजरमेंट रेंज ऑफ एन एमीटर कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग अ, जो मेजरमेंट रेंज है एमीटर का किस तरह यूज करते हैं, वही है लो रेजिस्टेंस इन अ संट, जो पैरेलल में पढ़े थे लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, सेम वही वाला क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को लैंग्वेज के बेसिस में पूछा गया, लो रेजिस्टेंस इन अ संट ठीक है, उससे मीटर का जो एमीटर का रेंज है वो बढ़ जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पावर कंज्यूम्ड बाय अ थ्री बैलेंस थ्री फेज थ्री वायर लोड इज मेजर्ड बाय अ 2 वाट मीटर मेथड ठीक है। द फर्स्ट वाट मीटर रीड्स ट्वाइस डेट ऑफ द सेकेंड ठीक है, देन वाट विल बी द लोड इम्पिडेंस एंगल इन अ रेडियन ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ था और ये जो फॉर्मूला है टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री पी वन माइनस पी टू बाई पी वन प्लस पी टू ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री पी वन माइनस पी टू बाई पी वन प्लस पी टू ठीक है, ये पावर है ठीक है दोनों ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये फॉर्मूला के बेसिस में क्वेश्चन ना आया हो ठीक है, हर एग्जाम में आता है ये, चाहे वो एस एस सी सी जी एल मतलब की सी जी एल सॉरी एस एस सी का जेई का एग्जाम हो या डी एम आर सी का एग्जाम हो या किसी भी जूनियर इंजीनियर का कोई भी एग्जाम हो या ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो ठीक है, बी टेक का कोई एग्जाम हो, उसमें पूछेगा ही पूछेगा इस फॉर्मूला को ठीक है, इस बेसिस का फॉर्मूला से पूछता ही क्वेश्चन ठीक है। क्या किया कहा गया क्या है कि पी वन
जो मतलब कि P1 जो मीटर है, जो P1 जो मीटर है, जो वाट मीटर है, वो उसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द P2, ठीक है, डबल है P2 के। तो P2 इक्वल टू P मान लिया, और P1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P2 है, तो 2P हो गया। तो बस आपको कुछ करना नहीं, बस फार्मूला में पुट करना है वैल्यू को, उसके बाद कितना आएगा, 1/√3 है, और टेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री में 1/√3 आता है, तो इसको 30 डिग्री को रेडियन में चेंज कर दीजिए, π/6 आएगा रेडियन, बस और कुछ करना नहीं था। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अ निकल कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ ए 13 ओम एट ए 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इफ द टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ द रेजिस्टेंस एट ए 0 डिग्री सेल्सियस इज इतना, ठीक है, 0.006 पर डिग्री, देन द रेजिस्टेंस एट ए 0 डिग्री सेल्सियस वाट, ठीक है। अब 0 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है, और हमको 50 डिग्री में रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है, तो उसी का एक रिलेशन है, मतलब कि RT इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ ए डेल्टी, ठीक है। R0 क्या है इसमें, ये रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और अल्फा क्या है, टेम्परेचर कॉफिशियंट एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टी, ठीक है। ये RT क्या है, R सफिक्स T है जो, ये है आपका रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, मतलब कि जिस डिग्री में निकालना है, ठीक है, 0 डिग्री में हमको निकालना है हमको, ठीक है, RT दिया हुआ 50 डिग्री में हमको दिया हुआ है 13 ओम, ठीक। अब निकालते हैं, चलिए, और करना क्या, कुछ तो करना नहीं है, बस डेल्टा टी कितना हो जाएगा, T2 - T1, T2 कितना है 50 डिग्री, और T1 कितना है 0 डिग्री, तो 50 डिग्री सेल्सियस आ गया डेल्टा टी, वैल्यू पुट कीजिए, ये 13 ओम हमको दिया हुआ है, R0 हमको दिया नहीं है, निकालना है 1 + 0.006 × 50, अब 50 × की है, और मतलब कि कैलकुलेशन करके देखिएगा 10 ओम आएगा, ठीक है, ऑप्शन में भी था 10 ओम, 10 ओम आंसर होगा, ठीक। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, SSC JEE के मेंस में हमको लगता है कि लगभग बहुत सारे, मतलब कि 3-4 साल से ये इस फार्मूला के बेस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस फार्मूला के बेस में, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन किया गया, 3 इक्वल रजिस्टर कनेक्टेड इन अ सीरीज अक्रॉस ए सोर्स ऑफ EMF, ठीक है, डिसिपेट 10 वाट ऑफ ए पावर, वाट वुड बी द पावर डिसिपेटेड इन द सेम रजिस्टर वेन दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल अक्रॉस अ सेम वोल्टेज सोर्स, ठीक है, जब सीरीज में कनेक्टेड है इक्वल रजिस्टर, 3 इक्वल रजिस्टर का कनेक्टेड इन अ सीरीज, तब उसमें पावर जो डिसिपेट हो रहा है वो 10 वाट हो रहा है, ठीक है, जब तीनों रजिस्टर जब सीरीज में कनेक्टेड है और एक वोल्टेज सोर्स के थ्रू कनेक्टेड है, तब जो पावर डिसिपेशन हो रहा है वो 10 वाट हो रहा है, ठीक है ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा, तो पावर इन अ सीरीज कितना, V² / R³, मतलब R इक्विवेलेंट V² / 3R, तो इक्वल टू 10, ये गिवन दिया हुआ है हमको, ठीक ना, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जब बोला गया है कि तीनों पैरेलल में कनेक्ट कर दिए तब कितना होगा पावर मेरे को निकालना, तो सिंपली आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, R/3 हो गया, अब पावर पैरेलल में क्या होगा, V² / R इक्विवेलेंट, V² / R/3, आर इक्विवेलेंट इतना है, तो 3 टाइम्स ऑफ V² / R हो जाएगा, तो इससे V² / R निकाल लीजिए, यहाँ से 3 × 30, यहाँ पे भी यहाँ 30 हो जाएगा इस वैल्यू में, तो 30 × 3 90 वाट, पैरेलल में कितना हो जाएगा, 90 वाट हो जाएगा, ठीक है, 90 वाट है, ठीक है, जिस टाइम सीरीज में कनेक्टेड था मतलब कि रजिस्टर से, तो 10 वाट पावर शो कर रहा था, अब जब इस समय उसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें विद सेम वोल्टेज सोर्स जो पहले था, तब वो 90 वाट हो गया, ठीक है, अब कैसे बनाए वो भी तो देख लिया आपने, ठीक है, बस बेसिक है, बस और कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए ये है दिया क्वेश्चन क्या है, इफ अ 3 फेज 450 हर्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट अ स्लिप ऑफ 5%, देन द रिलेटिव स्पीड ऑफ द रोटर फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटर फील्ड, ठीक है, एज कितना होगा, ठीक है, फील्ड का स्पीड तो गलत है, ठीक है, ठीक है, अब कितना होगा बताना है, ठीक है। देखिए जो स्टेटर फील्ड होता है और रोटर फील्ड होता है, बोथ का स्पीड ऑलवेज सेम होता है, ठीक ना, दोनों सिंक्रोनस स्पीड से ही घूमता रहता है हमेशा, तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा, दोनों जब सेम है 0 होगा, और कुछ करना ही नहीं है इसमें, कुछ भी इस सब का यूज ही नहीं करना, रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रोटर एंड स्टेटर फील्ड इज 0, ठीक है, ठीक है फ्रेंड, और भी इसके रिस्पेक्ट में और भी कुछ क्वेश्चन होगा तो हम लाएंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, थैंक यू फ्रेंड।